Konnichiwa. Yo, yo, yo! Anivilabas! It's theory time. आज का theory है devil fruit से related. Devil fruit शायद से सबसे अजीब mystery है One Piece का, क्योंकि from episode 1 हमने ना जाने कितने सारे devil fruits देखा आज तक, but still अपने को नहीं पता कि devil fruits actually में क्या है और वो work कैसे करता है. आज वाले वीडियो में मैं तुमको ये नहीं बताने वाला कि devil fruit क्या है, बल्कि devil fruit के connections बताने वाला मैं. ऐसे में तुमको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा है या फिर मैं क्या बोलने वाला है, इसलिए सीधा थ्योरी ही देखो. डिड आई टेल यू ऑलरेडी कि ये थ्योरी वीडियो एक ओरिजिनल थ्योरी वीडियो है? नहीं. इस वीडियो में जो भी मैं बताएगा हर चीज़ मेरे खुद का दिमाग है, हर चीज़. और हाँ, अभी बता दे रहा कि अगर मांगा चैप्टर 1035 तक तुमने रीड कर रखा है तो ही तुम ये वीडियो देखो, वरना ब्र स्पॉइलर जाओगे. एंड मोनली वाले तुम्हारे लिए मुझको बुरा लग रहा है, मेजर स्पॉयलर से इस थ्योरी में मांगा का. तो एंड मोनली वाले तुम्हारे लिए अब नेक्स्ट एडवांस सुनने मिलेगी, तो बाय बाय. मांगा वाले हो ना अभी भी? हाँ, वैसे हो गया, इतना ही मेरे को बोला था. अब थ्योरी चालू करते हैं. लेट मी जस्ट शो यू द इंट्रो, बिकॉज वाई शुड आई नॉट. लेट्स बिगिन. क्यों मैं इतना क्रिंज करता हूँ यार? लेट्स बिगिन. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से थ्योरी चालू करते हैं. डेविल फ्रूट्स एग्जैक्टली क्या है? डेविल फ्रूट्स अपने को नहीं पता, लेकिन हम लोग को डेविल फ्रूट्स के बारे में थोड़ा सा पता है, एकदम थोड़ा सा. मैं तुमको लोगिया जुबान पैरामी से नहीं बताना रहा, ठीक है? चलो याद करते कि शैंक्स ने डेविल फ्रूट्स के बारे में बग्गी को क्या बोला था. तुमको याद तो होगा ही शैंक्स और बग्गी का वो फ्लैशबैक जिसमें दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल पे लड़ रहे थे और पीछे से रेलिंग आके दोनों को पंच किया था, याद आया? हाँ, तो उसी फ्लैशबैक में ना शैंक्स ने बग्गी को डेविल फ्रूट्स के बारे में कुछ बोला था. उसने बोला था कि आई हर्ड दे आर इनकारनेशंस ऑफ द सी डेविल, सपोजिटली इफ यू ईट वन यू विल गेन डेविल पावर्स बट द सी विल हेट यू एंड टेक योर एबिलिटी टू स्विम. यहाँ पे अपने को पता चलता है कि डेविल फ्रूट्स को खाने के बाद कंज्यूमर स्विम करने का एबिलिटी खो देता है. ये तो ठीक है, लेकिन शैंक्स ने जो सी डेविल के बारे में बोला उस पर थोड़ा गौर डालते हैं. शैंक्स ने बोला था कि उसने सुना है कि डेविल फ्रूट्स सी डेविल का इनकारनेशन है. सम ऑफ यू माइट से कि भाई शैंक्स उस टाइम मिथ के बारे में बात कर रहा था, एक मिथ था वो जो सी डेविल वो जो भी है. सही बात है, बट लॉफ्टेल भी तो एक मिथ था ना अंटिल रॉजर फाउंड इट. हाँ, तो मैं बात कर रहा था सी डेविल के इनकारनेशन की. इनकारनेशन मतलब इफ़ यू डोंट नो अवतार होता है. मतलब शैंक्स ने ये बोला था कि उसने सुना है कि जो डेविल फ्रूट्स हैं वो अवतार है सी डेविल का. ऑल्सो यहाँ पे मैं शैंक्स ने जो लूफी को बोला था वो भी बताएगा. लूफी के गमो गमो नुमी खाने के बाद शैंक्स ने लूफी को चिल्ला के बोला था कि तूने जो अभी खाया दैट वॉज गम गम फ्रूट, अ फ्रूट ऑफ डेविल, और ये वन ऑफ द सीक्रेट ट्रेजर है सी का, ऐसा वैसा. नोट कि शैंक्स ने गोमो गोमो नोमी को डेविल फ्रूट नहीं बल्कि फ्रूट ऑफ डेविल बोला था. दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ मुन्ना, डेविल फ्रूट कोई सा टाइप का फ्रूट का नाम हो सकता है, लेकिन वहीं पे अगर फ्रूट ऑफ डेविल बोले तो उसका मतलब ही पूरा चेंज हो जाता है. उसका मतलब हो जाता है डेविल का फ्रूट. IRL एग्जाम्पल देके मैं तुमको समझाने की कोशिश करता है. तुम सब ने ड्रैगन फ्रूट सुना ही होगा. ड्रैगन फ्रूट एक फ्रूट का नाम है, राइट? लेकिन तुमने ड्रैगन फ्रूट को कभी फ्रूट ऑफ ड्रैगन बोला या फिर किसी को बोलते सुना है? नहीं ही सुना होगा या फिर बोला होगा, क्योंकि फ्रूट ऑफ ड्रैगन का मतलब हो जाएगा ड्रैगन का फ्रूट. विथ जस्ट अ स्मॉल ऑफ पूरा मतलब यहाँ पे चेंज हो गया है, एंड आई गेस इसको कोई नोटिस भी नहीं किया था अभी तक. इस फ्रूट ऑफ डेविल से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं तुमको एक थ्योरी बताना चाहता है जो कि बहुतों ने सुन रखा होगा ऑलरेडी. अभी के टाइम पे ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, एंड ये थ्योरी इतना ज़्यादा परफेक्ट है ना कि इस पर कोई भी बिलीव कर लेगा, जैसे कि मैं बिलीव करता है इस थ्योरी पे, ठीक है? आई वंडर इस थ्योरी पे अभी तक गुटका उटाकू ने वीडियो क्यों नहीं लाया. गोमो गोमो मी व्हाइट बेट पे तो तुरंत लाया था वो धूर. वेल, जो थ्योरी की मैं बात कर रहा है वो है कि काइडो जो है वो खुद को जॉय बॉय समझता था, बट क्योंकि वो जॉय बॉय नहीं है अब वो उसको ढूंढ रहे जो एक्चुअली में जॉय बॉय है, ताकि वो जान सके कि उसमें ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से वो जॉय बॉय नहीं है. चैप्टर 1035 में किंग के फ्लैशबैक में जब काइडो ने किंग को बोला था कि मैं ही बस वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, तब उसके आंखों में लाइट दिख रहा था. और लूफी से लड़ते टाइम काइडो ने बोला था कि तेरे आंखों का लाइट कम नहीं हो रहा मुगीवारा. काइडो को जॉय बॉय के बारे में कैसे पता वो मेरे को भी नहीं पता. वैसे मैंने इस पर बहुत पहले थ्योरी बनाया था एक ठोक, जो कि अभी के टाइम पर एकदम गलत साबित होता है. नाउ, क्योंकि काइडो खुद जॉय बॉय नहीं है,
वो वेट कर रहा है जॉयबॉय का वानो में, इसलिए वो वानो नहीं छोड़ रहा ताकि वो जॉयबॉय से मिल सके। और जब काइडो किंग से मिला था तब वो इतना एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि उसको लगा था कि वो जॉयबॉय है, और अभी वो डल सा इसलिए रहता है क्योंकि उसको पता है कि वो जॉयबॉय नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर, एस ओडन के डेथ का बदला लेने के लिए वानो गया था लेकिन वो काइडो से कभी मिल और लड़ नहीं पाया था, इसलिए शायद से जब एस का एग्जीक्यूशन होने वाला था तब काइडो मरीन फोर्ट में उसका एग्जीक्यूशन रोकने जा रहा था ताकि वो जान सके कि क्या एस ही जॉयबॉय है। बट बीच में काइडो को मिल गया शैंक्स और उसने कन्विंस कर लिया काइडो को कि एस जॉयबॉय नहीं है, जॉयबॉय आएगा वानो में, अभी उसका टाइम नहीं आया है, जिसकी वजह से काइडो अपना इंटरेस्ट खो दिया एस से और वो वापस चले गया वानो। दिस इज़ दी कंप्लीट थ्योरी जो कि अभी के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रहा है, और जैसे मैंने बोला कि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा सही है और स्टोरी लाइन में एकदम फिट बैठता है। मैंने ये थ्योरी तुमको क्यों बताया, क्योंकि इसके थ्रू मैं तुमको ये बताना चाहता है कि शैंक्स जो है वो मोस्ट लाइकली जानता है जॉयबॉय एंड वॉइड सेंचुरी के बारे में। नाउ किसने बताया होगा शैंक्स को वॉइड सेंचुरी के बारे में? वेल, इट्स रे लीग। मेरे ऐसे बोलने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि रे लीग ही शैंक्स को बताया था वॉइड सेंचुरी के बारे में। दैट इज, रे लीग एक स्वॉर्ड्समैन है और शैंक्स भी एक स्वॉर्ड्समैन है, और शैंक्स ने स्वॉर्ड चलाना एकदम अच्छे से रॉजर पायरेट्स के डिसबैंड होने के बाद ही सीखा है, क्योंकि उससे पहले तो शैंक्स खुद बच्चा था और उसको घंटा स्वॉर्ड चलाना नहीं आता था, मतलब कितना आता था यार उसको। सो इट्स पॉसिबल कि रेलिंग ने शैंक्स को स्वॉर्ड चलाना सिखाया एंड जॉयबॉय और वर्ड सेंचुरी सबके बारे में बताया। एंड जब शैंक्स लूफी से फर्स्ट टाइम मिला था 12 साल पहले, तब शैंक्स ऑलरेडी एक स्वॉर्ड्समैन था, मतलब कि उस टाइम भी शैंक्स को मोस्ट लाइकली हर चीज़ के बारे में पता था जो रॉजर पायरेट्स ने खोजा था। तो इवन आफ्टर नो वेट, मैं कितना अजीब टाइप का बोला अभी, तो इवन आफ्टर, रुको यार थोड़ा सा स्मूथ बोलता हूँ, ठीक है मैं। तो इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, शैंक्स का ये बोलना कि गोमो गोमो नोमी एक डेविल का फ्रूट है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि देयर वॉज अ डेविल इन द पास्ट, या फिर क्या पता अभी भी हो। सो इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि वो डेविल और कुछ नहीं बल्कि सी डेविल हो, जिसका शैंक्स ने पहले बात किया था, क्योंकि ओडा ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते यार। इवन अगर एक मिथ को अगर ओडा बता रहे तो भी उसमें कुछ होता है, जैसे कि तुम देख लो यार, मतलब कोई भी मिथ में भी भाई ओडा दिमाग लगाता है, तो मे बी सी डेविल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था या फिर शायद अभी भी करता हो, और उसी का इनकारनेशन है डेविल फ्रूट्स। इतना समझ आ गया ना तुमको? नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा माइथोलॉजी स्टफ। आज मैं तुमको क्रिश्चियन माइथोलॉजी से कुछ बताने वाला है, मतलब ये जो मैं तुमको बताएगा वो क्रिश्चियंस का है। अब मुझे पता नहीं कि क्रिश्चियन माइथोलॉजी इज अ राइट टर्म और नॉट, बट ठीक है मैं तुमको बता रहा है। इन बाइबल देर इज़ अ टर्म फॉलन एंजल, जिसका मतलब होता है वो एंजल्स जिनको हेवन से भगा दिया गया था। लूसीफर वॉज वन ऑफ देम, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंजल था, बट उसको अपने पावरफुल होने का घमंड हो गया था, तो गॉड ने उसको और सारे एंजल्स जो कि लूसीफर को फॉलो करते थे उनको हेवन से भगा दिया था, और ये सारे एंजल्स इंक्लूडिंग लूसीफर फॉलन एंजल्स के नाम से जाने गए। लूसीफर और बाकी फॉलन एंजल्स फिर हेल चले गए, लूसीफर हेल का राजा बन गया, उसको सब सेटन बोलने लगे और लूसीफर को सब डेविल भी बोलने लगे। जिन्होंने नेटफ्लिक्स वाला लूसीफर देख रखा है दे नो कि लूसीफर इज द डेविल। लेकिन लव इससे वन पीस का क्या कनेक्शन, बताता है। मैंने अभी तुमको फॉलन एंजल्स के बारे में बताया, राइट? तुमको ये तो पता ही होगा कि एंजल्स के विंग्स होते हैं, वैसे ही फॉलन एंजल्स के भी विंग्स होते हैं, लेकिन दोनों के विंग्स में एक फ़र्क है। एंजल्स के विंग्स वाइट कलर के होते हैं और फॉलन एंजल्स के विंग्स ब्लैक कलर के होते हैं। तुमने हाई स्कूल डीएक्सी तो देखा ही होगा, अगर तुम मेरे जैसे पर्वर्ट हो तो तुमने देख रखा होगा मुझे लगता है। तो उसमें भी अगर तुमने देखा है, तुमको याद है, तो उसमें भी जो एंजल और फॉलन एंजल्स थे, और एंजल्स का जो विंग्स था वो वाइट कलर का था और फॉलन एंजल्स का ब्लैक कलर का था। इंटेलिजेंट लोग समझ गए होंगे कि मैं इस एंजल फॉलन एंजल को किससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्काइपियन एंड लुनेरियन रेस। तो मे बी ओडा ने स्काइपियन और लुनेरियन रेस का कॉन्सेप्ट लिया है एंजल एंड फॉलन एंजल से, एंड मे बी जो सी डेविल का कॉन्सेप्ट है उसको शायद से ओडा ने लूसीफर जो कि डेविल है और हेल का किंग है उससे लिया हो, एंड ये जो लुनेरियंस है एक एक किंग का रेस वो पास्ट में शायद तक इसी सी डेविल को फॉलो करते थे जैसे जो बाकी फॉलन एंजल्स थे वो लूसीफर को फॉलो करते थे। अभी के टाइम पे वी ऑल नो कि कौन किंग का ओपोनेंट है, राइट? इट्स बिग ब्रेन जोरो, और जोरो को कौन से स्वॉर्ड वानों में मिला है? एनमा। और एनमा के बारे में हितेत्सु ने बोला था कि वो बॉटम ऑफ हेल को काट सकती है। तुमने कभी ये सोचा है कि भाई जोरो को एनमा ही क्यों मिला, हेवन को काटने वाला आमेनो हाबाकीरी क्यों नहीं मिला? कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। Now, let's talk about artificial devil fruit and Vegapunk. I mean, devil fruits का बात करें एंड Vegapunk के बारे में बात ना हो, लमाओ।
ओडा ने बोला था कि फ्यूचर में एक सर्टन साइंटिस्ट आएगा जो कि बताएगा कि डेविल फ्रूट वर्क कैसे करता है, एंड वो सर्टन साइंटिस्ट ऑब्वियसली वेगापंक है। वेगापंक इज द गाय जो कि जान गया कि डेविल फ्रूट कैसे वर्क करता है, लेकिन कैसे। चैप्टर 1035 में हम लोगों ने किंग उर्फ आरबेर और काइडो को एक लैब में देखा था जहाँ पे किंग पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वो लैब कौन सा था तुमको पता है? ऑब्वियसली पता है, पंक हजार्ड। और पंक हजार्ड पे कौन सा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करता था? वेगापंक। और पंक हजार्ड में वेगापंक ने क्या बनाया था? फर्स्ट आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट, जो कि एट दैट टाइम वेगापंक को फेल्ड एक्सपेरिमेंट लगा था, बट अभी सबको पता है कि उसी आर्टिफिशियल फ्रूट की हेल्प से मोमो एक फुल ग्रोन पिंक अजर ड्रैगन है। उस आर्टिफिशियल फ्रूट को वेगापंक ने काइडो के लीनियस फैक्टर से बनाया था, और काइडो के मिथिकल जुआन फ्रूट को वेगापंक रेप्लिकेट करने की कोशिश किया था। मतलब कि जब काइडो और किंग वहाँ से निकले थे उसी टाइम मोस्ट लाइकली वेगापंक ने वो आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट को बनाया था। लेकिन क्यों फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्रूट ही एक सक्सेसफुल फ्रूट रहा? सेजार जो स्माइल फ्रूट्स बाद में बनाया वो वेगापंक के आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट जैसे क्यों नहीं थे? मे बी बिकॉज वेगापंक ने आरबेर उर्फ एक लूनेरियन का लीनियस फैक्टर यूज़ किया था फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्रूट में, और क्योंकि सेजार के फ्रूट्स के टाइम पे कोई भी लूनेरियन नहीं था, सेजार वेगापंक जैसा सक्सेसफुल आर्टिफिशियल फ्रूट्स नहीं बना पाया। विच मीन्स कि शायद तक लूनेरियंस का लीनियस फैक्टर इज़ अ मस्ट एलिमेंट टू क्रिएट परफेक्ट आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स। मैनी पीपल इंक्लूडिंग मी बिलीव्स कि अभी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप्स वानों में आ रहे हैं उसमें बैठ के वेगापंक भी वानों में आएगा। क्यों? ताकि वो मोमो AKA फर्स्ट आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट के कंज्यूमर को देख सके, और मे बी इसलिए भी वेगापंक आ रहा है ताकि वो द लास्ट लूनेरियन उर्फ आरबेर उर्फ अपना किंग के लीनियस फैक्टर पाके एक और बार परफेक्ट आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट बना सके। अब एक बड़ा क्वेश्चन कि लूनेरियंस के लीनियस फैक्टर से डेविल फ्रूट्स कैसे बन सकते हैं? मैंने तुमको अब भी बताया था ना लूसीफर और बहुत सारे फॉलन एंजल्स के बारे में, और मेरे हिसाब से जो सी डेविल का कॉन्सेप्ट है वो लूसीफर से उठाया ओडा ने। तो जैसे लूसीफर खुद एक फॉलन एंजल था, वैसे ही शायद से सी डेविल भी एक लूनेरियन हो, बट सुपीरियर वर्जन ऑफ लूनेरियन। और क्योंकि डेविल फ्रूट्स सी डेविल के इनकारनेशन है एंड सी डेविल खुद एक लूनेरियन है, इसी वजह से जो नॉर्मल लूनेरियंस है लाइक किंग, उनके लिए इस फैक्टर से भी शायद परफेक्ट आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स बनाया जा सकता है। एक और चीज़, चैप्टर 1035 में काइडो के चमचों, मैं इस वीडियो में गाली नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब मैं गाली देना नहीं चाहता एक्चुअली, वरना मैं टी वर्ड यूज़ करता अभी। हाँ, तो चैप्टर 1035 में काइडो के चमचों ने बोला था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो कोई भी लूनेरियंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको 100 मिलियन बेरीज देती है। इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट लूनेरियंस को पूरी तरह ख़त्म करना चाहती है, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट लूनेरियंस का इन्फॉर्मेशन और लोकेशन जानना चाहती है ताकि वो उनको पकड़ सके। अगर लूनेरियंस को मारना होता तो इन्फॉर्मेशन पर बाउंटी नहीं लगाते बल्कि उनके वांटेड डेथ बाउंटीज लगाते, और मे बी लूनेरियंस जो हैं उनको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जेनोसाइड के थ्रू नहीं मारा बल्कि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर करके मार दिया। और क्योंकि किंग के जाने के बाद कोई लूनेरियन बचा ही नहीं, आर्टिफिशियल फ्रूट वेगापंक फिर से नहीं बना पाया। तुम पूछ सकते हो कि व्रो किंग का तो बाउंटी है, इसका मतलब ये हुआ ना कि किंग काइडो के साथ है, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को और वेगापंक को ऑब्वियसली पता चल ही गया होगा। तुम एकदम सही हो मुन्ना, एकदम सही। लेकिन पता चलने के बाद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट लोग क्या कर सकते बताओ? इट्स नॉट लाइक कि वो काइडो के पास चले जाएंगे किंग को पकड़ने, राइट? काइडो कच्चा चबा जाएगा सबको। ऑल्सो वेगापंक को तो अभी समझ आया होगा ना कि एक लूनेरियन के लीनियस फैक्टर से ही परफेक्ट आर्टिफिशियल फ्रूट को बनाया जा सकता है, परफेक्ट आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट को बनाया जा सकता है। अभी तक तो उसको लगता था कि उसका बनाया फ्रूट फेल था, बट अभी जाके पता चल रहा कि नहीं, इट वॉज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, एंड अभी के टाइम पे वॉर चल रहा है वानों में, राइट? तो शायद से वेगापंक लूनेरियन के लीनियस फैक्टर को कलेक्ट करने के पॉसिबिलिटी से भी वानों आ रहा है, ये सोचे कि वॉर के हल्ला में शायद से उसको किसी वे में किंग का लीनियस फैक्टर कलेक्ट करने का मौका मिल जाए। इसी के साथ ये थ्योरी होता है ख़त्म। अब मेरे को इसी को इंग्लिश में बोलने दो, ठीक है? दस दिस कंक्लूड्स दिस थ्योरी। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं कवर करना भूल ही गया। व्हाइटबेर्ड ने बोला था कि लूनेरियंस पहले रेड लाइन के ऊपर रहते थे और उनको गॉड्स का रेस माना जाता था। तो गॉड्स का डेविल्स, देखो वी ऑल नो राइट कि लूनेरियन रेस इफ नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वन पीस का। तो शायद इसी वजह से कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है, प्लस वो अपने विल पे नेचुरली फायर को प्रोड्यूस और यूज़ कर सकते हैं, उनको गॉड्स का रेस बोला जाने लगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनसे डर के उनको रेस ऑफ गॉड्स, मतलब गॉड्स का रेस बोलने लगा। एंड अबाउट कि लूनेरियंस के बदले अभी रेड लाइन के ऊपर मरी जोआ क्यों है, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी क्यों है, उसका थ्योरी मैं किसी और वीडियो में कवर करेगा। टू बी ऑनेस्ट, उसके रिगार्डिंग मेरे पे अभी कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन अगर कभी मेरे दिमाग में आता है कोई थ्योरी तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना देगा उस पर।
नाउ एक बार रिविजन करें. अकॉर्डिंग टू मी सैक्स ने जो फ्रूट ऑफ डेविल और सी डेविल का बात किया था वो मिथनाओं की शायद से फैक्ट है. स्काइपियंस और लूनेरियंस का कॉन्सेप्ट ओडा ने बाइबल के एंजल्स और फॉलन एंजल्स से उठाया है. सी डेविल जो कि अभी भी अननोन है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था या है या फिर नहीं, उसका कॉन्सेप्ट शायद लूसीफर से उठाया है. जैसे लूसीफर खुद भी एक फॉलन एंजल था वैसे ही सी डेविल भी एक लूनेरियन ही है बट सुपीरियर वर्जन ऑफ लूनेरियन. और क्योंकि इस सुपीरियर लूनेरियन का ही इनकारनेशन है डेविल फ्रूट्स को सक्सेसफुली रेप्लिकेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लीनियज फैक्टर ऑफ नॉर्मल लूनेरियंस टू. एंड मोमो को देखने और किंग के लीनियज फैक्टर को पाने की पॉसिबिलिटी में वेगापंक आ रहा है अभी वानो. और इसी के साथ ये पूरा थ्योरी होता है ख़त्म. आई होप तुमको थ्योरी पसंद आया होगा. कैसा लगा थ्योरी कमेंट से बताओ. इस वीडियो में जितना भी मैंने थ्योरी बताया है सब मेरा दिमाग है. हाँ लेकिन मैंने वो काइडो जॉबे वाला थ्योरी डिस्कस किया बट उस थ्योरी को ना मैंने बस अपना एक पॉइंट प्रूफ करने के लिए यूज़ किया. दैट इज़ कि शैंक्स को वर्ल्ड सेंचुरी एंड जॉयबॉय के बारे में सब चीज़ के बारे में पता है ऑलरेडी. ठीक है. ऑल्सो कुछ लोगों ने शायद से वो थ्योरी नहीं सुना था अभी तक तो उनको भी पता चल गया. लेट्स जस्ट एंड द वीडियो अब. ठीक है. वेट, डिड आई ऑलरेडी सेड कि ये सब थ्योरी था और थ्योरी को एकदम सीरियस नहीं लेने का होता है? हाँ शायद मैंने नहीं बोला. क्या जरूरत है वैसे बोलने की, तुम तो हो ही समझदार. राइट. तो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी तो बाय बाय. मैं बहुत क्रिंज हो रहा यार. टार्जन वे में नहीं, नॉर्मल. सो अब नेक्स्ट नहीं सोनी तो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी तो बाय बाय.